आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करना चाहेंगे और कंटिन्यू कर रहे हैं आज की क्लास को। तो लास्ट डे हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 16 को, जो आईपीसी के चैप्टर 16 है, इसके संबंध में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें से आपने सेक्शन 299 से लेकर के 318 तक पढ़ लिया। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं 319 से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए ज़रा यहाँ पर ध्यान देते हैं हम लोग। सबसे पहले ये उपपत्ति के विषय में, यानी कि उपपत्ति क्या होती है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 319 में आप देख रहे हैं, ठीक है, जो कोई किसी व्यक्ति की शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग सैथिल कारित करता है, वह उपपत्ति करता है, यह कहा जाता है। तो यहाँ पर जल्दी के पॉइंट्स की हम लोग जो बात करेंगे, तो पॉइंट्स में सबसे पहले आप यहाँ पर नोट करेंगे, जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, कैसे शारीरिक पीड़ा अगर देता है, फर्स्ट किसी रोग या अंग सैथिल कारित करता है, कोई रोग या अंग सैथिल कारित करता है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि उसने क्या किया है, उपपत्ति कर दी है। सेक्शन 320 में यहाँ पर जरा देखिएगा, घोर उपपत्ति की बात की गई कि घोर उपपत्ति क्या होता है। इसमें देखिए 8 पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ये 8 पॉइंट है। इन 8 पॉइंटों को हम मान लेते हैं, अगर इसमें से कोई भी एक होता है तो मान लेंगे कि उसने क्या कर दिया, यहाँ पर ग्रेवियस हर्ट यानी कि घोर उपपत्ति कारित कर दिया। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, उपपत्ति की नीचे लिखी गई किस्में घोर उपपत्ति है। देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है वो, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है वो पोषत्व हरण से, दूसरा पॉइंट है दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का स्थायी विच्छेद, और तीसरा जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का स्थायी विच्छेद, नंबर जो पॉइंट है किसी भी अंग का जोड़ या विच्छेद, पांचवा है किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी ह्रास, छठवा है सिर या चेहरे पर स्थायी विद्रूपीकरण, सातवा है अस्थि या दांत का भंग या अभिसंधान, आठवा है यहाँ पर कोई उपपत्ति जो जीवन का संकट, जीवन को संकटापन्न करती है या जिससे, जिसके कारण उपहत व्यक्ति 20 दिन शारीरिक पीड़ा में रहता है। कितने दिन तक रहता है? 20 दिन तक। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, या अपने मामूली कामकाज करने के लिए असमर्थ रहता है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, बात ये कि 20 दिन तक अगर कोई तीव्र पीड़ा में रहता है, ऐसा कोई भी उसने अपराध किया, कोई भी ऐसी चोट पहुँचाई हो और जिससे वो मामूली कामकाज करने में असमर्थ हो जाए 20 दिन तक, और वो तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है, तो ये जो सेक्शन 320 है इसके, इसमें जो डिफाइन किया गया है, ये ऑफेंस उस पर रजिस्टर्ड होगा। अब ये तो ये डेफिनेशन की, इसके बाद में इनका जो पनिशमेंट होगा वो आने वाले सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए एक बार थोड़ा सा इनको इंग्लिश में भी देख लीजिए, कुछ लोगों की डिमांड जो आई इंग्लिश के लिए, देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। ऑफ हर्ट्स की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये सेक्शन 319 में एक नज़र डालेंगे, हर्ट्स के बारे में बात करेंगे। हू एवर कॉज बॉडली पेन, क्या करता है कोई भी व्यक्ति जो बॉडली पेन किसी को ट्रांसफर करे या दे, कैसे देगा वो, किसी तरह से कोई चोट के द्वारा उसे पेन, ऐसा नहीं कि कोई दर्द दे रहा हो, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है। सिस्टम का मतलब ये किसी को भी कोई बॉडली इंजरी अगर करता है यहाँ पर, तो दूसरा सेकंड पॉइंट पे हम बात करेंगे, डिजीज और इनफर्मिटी टू एनी पर्सन, अगर कोई भी डिजीज या पर्सन इज सेड टू कॉज हर्ट, तो ऐसा कहा जाएगा कि उसने क्या कर दिया है, हर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 320 पर हम बात करेंगे ग्रेवियस हर्ट की, कि व्हाट इज द मीन ऑफ द ग्रेवियस हर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेवियस हर्ट। फर्स्टली वी विल डिस्कस द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ हर्ट ओनली आर डेजिग्नेट एज ग्रेवियस। ग्रेवियस क्या होगा, ये नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं, यू हैव सीन दीज 8 टाइप्स ऑफ द पॉइंट्स, फर्स्ट एस्कुलेशन, सेकेंड परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आई, थर्ड पॉइंट परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ आइदर ईयर, फोर्थ नंबर पॉइंट प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और ज्वाइंट, एंड फिफ्थ नंबर डेस्ट्रक्शन ऑफ अ परमानेंट
impairing of the power of any member or joint. Sixth point, permanent disfiguration of the head of or face. Fracture or dislocation of a bone or tooth. Point, any hurt which endangers life or which cause to suffer to be during the space of kindly water during the space of 20 days. It is very important for the 20 days in bodily pain or unable to follow his ordinary pursuance. ये एट टाइप्स का इसमें जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये डिस्क्रिप्शन में से कोई भी एक पॉइंट एक भी आता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, इनमें से कोई भी एक पॉइंट अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर मान लेंगे कि इसने क्या कर दिया है, ही इज कमिट द ग्रेवियस हर्ट. अगला जरा ध्यान दीजिएगा. चलिए सेक्शन नंबर 321 पर एक बार नज़र डालते हैं. स्वेच्छा उपति कार्य करना, अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरली स्वेच्छा उपति कार्य करता है, होगा देखिए जरा ध्यान दीजिएगा. जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपति कार्य करे, जो कोई भी व्यक्ति कार्य को इस आशय से यानी कि इंटेंशन से करता है कि भाई किसी व्यक्ति को उपति कारित करे, या इस ज्ञान के साथ करता है कि वह संभव है कि वह तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपति कारित करे और तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपति कारित करता है, वह स्वेच्छा उपति करता है, यह कहा जाता है. तो देखिए यहाँ पर जो सेक्शन आप 321 आप पढ़ रहे हैं, इसमें स्वेच्छा गुरुपति की बात की गई है, यानी कि ध्यान दीजिएगा इंग्लिश में भी थोड़ा सा, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट. हु एवर डज एनी एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ हियर बाई कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली हियर बाई टू कॉज हर्ट टू एनी पर्सन एंड डज देयर बाय cause hurt to any person is said voluntarily to cause hurt. अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपने डेफिनेशन पढ़ी, अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसमें क्या है. स्वेच्छा उपति यानी कि वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट कैसे होगा, कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और वो कोई भी ऐसा कार्य करे और इस इंटेंशन से करता, वो पति का मतलब आप समझ गए, उसको हर्ट करे, कैसे भी हर्ट कर सकता है वो, इस ज्ञान के आशय से करता है कि यह संभव है कि वह तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपति कारित करे और तद द्वारा किसी व्यक्ति को उपति कारित करता है. यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, ए नाम का एक व्यक्ति बी को वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट करता है, इंटेंशनली जानते हुए, ये जानता है कि अगर इसको हम ऐसा करेंगे तो इसको हर्ट हो सकता है, इसको चोट पहुंच सकती है, जान मिल करके अगर वो करता है और उसको परिणाम भी पता है कि इस व्यक्ति से ऐसा ये हो सकता है, तो यहाँ पर बिल्कुल मान लेंगे कि इस व्यक्ति ने स्वेच्छा किया हुआ, वॉलेंटरली यानी कि अपनी इच्छा अनुसार, स्वेच्छा का मतलब है अपनी इच्छा अनुसार उसने कोई भी ऐसा कार्य किया है जिससे बी को चोट पहुँच गई हो और चोट पहुँचने के बाद में उसको कुछ नुकसान हो गया हो, कैसा, बॉडीली, ये बॉडीली इंजरी होनी चाहिए किसी भी टाइप की, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि इसने इसके साथ में स्वेच्छा उपति कारित कर दिए. नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, 322 में हम एक नज़र डालते हैं, मतलब यह है कि अपनी इच्छा के द्वारा, ना ही किसी दोष में, ना ही किसी के दबाव में हमने कार्य किया, यहाँ हमने अपनी इच्छा अनुसार जब कोई कार्य किया उससे किसी व्यक्ति को स्वेच्छा गुरु उपति कारित हो गई है, तब यहाँ पर स्वेच्छा गौरवपति के लिए जो गौरवपति की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी सेक्शन 320 में, ये जरा ध्यान दीजिएगा, गौरव
अब इसमें ये कार्य किसी के द्वारा करवाए भी जा सकते, तो एक पॉइंट आप देख रहे हैं, अगर किसी के द्वारा करवाए जा सकते हैं तो ये वॉलंटरली नहीं होते हैं, यानी कि ये किसी ना किसी दौड़ दबाव में किए गए, असमय कसर में किए गए, कपट पूर्वक करवाए गए, ऐसे कई तरह के इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अगर ऐसा नहीं किया गया है और किसी ने दुष्प्रेरण भी नहीं किया है, खुद ही अपनी इच्छा से अगर ये कार्य कर रहे हैं फिर किसी व्यक्ति को, तो यहाँ पर इसी कार्य को, जो ये 1 से लेकर के 8 तक के जो पॉइंट दिए गए थे, इन्हीं कार्यों को यहाँ पर स्वेच्छा गोरुपति के नाम से जाना जाता है। तो प्रोसेस को पढ़ लीजिए एक बार, फिर हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो कोई स्वेच्छा उपति कार्य करता है, यदि वह उपति जिसे कार्य करने का आशय है या जिसे वह जानता है कि उसके द्वारा किया जाना संभव है कि घोर उपति है, उसको ये मालूम है कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये अपने अपने अनुसार ही कर रहा हूँ और इससे दूसरे व्यक्ति को घोर उपति का कार्य हो सकती है, और यदि वह उपति जो वह कार्य करता है घोर उपति को, तो वह स्वेच्छा घोर उपति करता है यह कहा जाता है। अगर वो ऐसे वॉलेंटरली कोई भी कॉजिंग हर्ट करता है, और जो ऊपर सेक्शन 320 में जो डिफाइन किए गए पॉइंट्स, जो 8 टाइप के पॉइंट्स बताए गए हैं, अगर इनमें से एक भी मैच कर जाता है तो यहाँ पर माना जाए कि इसने वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट कर दिया, यानी कि स्वेच्छा घोरोपति कार्य कर दिया। अब यहाँ जरा स्पष्टीकरण पर हम लोग एक नज़र डालते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण में कोई व्यक्ति स्वेच्छा घोरोपति कार्य करता है यह नहीं कहा जाता है, सिवाय जबकि वह घोरोपति कार्य करता है और घोरोपति कार्य करने का उसका आशय हो या घोरोपति कार्य होना वह संभाव जानता हो। किंतु यदि वह इस आशय यह आशय रखते हुए या संभाव जानते हुए कि किसी एक किस्म की घोरोपति कार्य कर दे, वास्तव में दूसरी किस्म की घोरोपति कार्य करता है, तो वह स्वेच्छा घोरोपति कार्य करता है यह कहा जाता है। अब चलते हैं हम सीधे यहाँ पर एक क्लस्टेशन थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद हम इंग्लिश में इसको थोड़ा सा देखते हैं। ध्यान दीजिए, का यह आशय रखते हुए या यह संभाव जानते हुए कि वह या के चेहरे को स्थायी रूप से विद्रूपित कर दे, कैसे कर दे, स्थायी रूप से। अब यहाँ पर या के चेहरे पर प्रहार करता है जिससे या का चेहरा स्थायी रूप से विद्रूपित तो नहीं होता, या को 20 दिन तक तीव्र पीड़ा कार्यरत होती है। ध्यान दीजिएगा कितने दिन तक बात की गई, शारीरिक पीड़ा होती है। तो यहाँ का ने क्या किया, स्वेच्छा घोरोपति कार्य किया। अब चलिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 322 में एक बार रिजल्ट डालते हैं। वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट, अगर वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट, इफ द हर्ट विच ही इंटेंड्स टू कॉज और नोज हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज इज ग्रेवियस हर्ट, उसे ये मालूम हो या ज्ञान होना चाहिए, नोज हिमसेल्फ, अगर उसे ये पता है कि इसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा, कॉज इज ग्रेवियस हर्ट का, अगर यहाँ कॉजेस ग्रेवियस हर्ट होता है तो, और कैसे वह इच्छा अनुसार इंटेंड टू कॉज और नो हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज इज ग्रेवियस हर्ट, एंड इफ द हर्ट विच ही कॉज इज ग्रेवियस हर्ट इज सेड वॉलेंटरली टू कॉज ग्रेवियस हर्ट, तो इसे क्या कहा जाएगा कि इसने ग्रेवियस हर्ट कर दिया है। तो इसको देखिए दोबारा से पढ़िए, हु एवर वॉलेंटरी कॉज हर्ट, कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा करता है, इफ ही हर्ट विच ही इंटेंड्स टू कॉज, अगर वो ये जानते हुए इरादा रखते हुए अपना कि वो कोई हर्ट करना चाहता है, हर्ट होगा इसे, नोन हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज हिज ग्रेवियस हर्ट, और अगर वो ऐसा कोई कार्य भी करता है जिसको जानता है कि इसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा, ग्रेवियस हर्ट होगा, एंड इफ द हर्ट विच He cause is grievous hurt, is said voluntarily grievous hurt. Explanation पर जरा थोड़ा सा ध्यान, person is not said voluntarily to cause grievous hurt except when he both cause grievous hurt and intends to know a
हेल्प टू बी लाइकली टू कॉज ग्रेवियस हर्ट। यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कह रहे हैं, अ पर्सन इज नॉट सैड वॉलंटरली टू कॉज ग्रेवियस हर्ट एक्सेप्ट, कब नहीं कहेंगे, व्हेन ही वॉज कॉज ग्रेवियस हर्ट एंड इंटेंड्स टू नोज हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज ग्रेवियस हर्ट। ये कब नहीं कहा जा सकता, जैसे कोई व्यक्ति है, सबसे पहले ये देखिएगा कि क्या वो जो परिणाम कार्य कर रहा है उसको वो अपनी इच्छा अनुसार कर रहा है और उसका परिणाम भी जानता है कि कॉज ग्रेवियस हर्ट। बट ही इज सैड वॉलेंटरली टू कॉज ग्रेवियस हर्ट इफ इंटेंडिंग टू नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली, अगर वो जानता है इसका परिणाम तो यहाँ पर क्या माना है, ग्रेवियस हर्ट है, और अगर वो नहीं जानता तो इसे वॉलेंटरली ग्रेवियस हर्ट में काउंट नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक के जो भी दिए गए हैं, ये पता कि यहाँ पे क्या दिया है, 76 से लेकर के 106 तक, जल्दी से बताओ, अब कुछ याद आया? जनरल एक्सेप्शंस, हाँ एक्सेप्शंस दिए गए, अगर इनके अकॉर्डिंग आता तो इनको ये वॉलंटरी ग्रेवियस हर्ट में काउंट नहीं करेंगे। अगले जगह ध्यान दीजिएगा, टू कॉज ग्रेवियस हर्ट टू हर्ट ऑफ वन काइंड ही एक्चुअली कॉज ग्रेवियस हर्ट ऑफ अनदर काइंड। नेक्स्ट जगह यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका इंटेंडिंग ऑफ नोइंग हिमसेल्फ टू बी लाइकली परमानेंटली टू डिसफिगर जेट्स, ये इंटेंशनली ऐसा कार्य करता है कि जेट का जो है उसको फेस जो है उसको कैसा कर दे, डिसफिगर कर दे परमानेंटली। गिव्स जेट आ बिलो विच डज नॉट परमानेंटली डिसफिगर जेट फेस, पर वो किसी उसको हर्ट करता है जेट को, लेकिन जेट का जो डिसफिगर फेस है, बट विच कॉज जेट टू सफर सेवर बॉडली पेन, ठीक है, डिसफिगर तो नहीं होता है पूरा परमानेंटली, लेकिन उसको क्या होता है, विच कॉज जेट टू सफर सर बॉडली पेन फॉर द स्पेस ऑफ 20 डेज, कितने टाइम समय के लिए, 20 डेज। अब जरा ध्यान दीजिएगा, उसमें जो 8 नंबर का पॉइंट लिखा है सेक्शन 320 में, इसका 8 नंबर जो पॉइंट है वो क्या है, इसी से रिलेटेड, कि अगर किसी व्यक्ति को 20 डेज तक का हर्ट होता तो उसे हम ग्रेवियस हर्ट में काउंट कर लेते हैं। ही हैज़ वॉलेंटरली कॉज ग्रेवियस हर्ट, और अगर कोई व्यक्ति वॉलेंटरली कर रहा है यहाँ पर कोई भी कार्य, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे कि उसने वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट किया हुआ है। कहाँ कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप, सेक्शन 322। इतना क्लियर हो गया क्या आपको, जल्दी से बताइए। यस सर। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 323 पर। इसके लिए देखिए अब हम थोड़ा सा पनिशमेंट की बात करेंगे, यहाँ पर जो आप जो हर्ट पढ़ रहे थे, हर्ट के बाद में जो पनिशमेंट दिया जाता है तो पनिशमेंट कितना होगा इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिए सेक्शन 323 पर एक नज़र डालिए, उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए ज़रा, एक मिनट प्लीज़ लाइन पर रहिएगा। आदित्य, आदित्य जी अब ठीक है, ठीक दिख रहा है ये? यस सर। 323 में ज़रा एक नज़र डालिएगा, स्वेच्छा उपति कारित करने के लिए दंड, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, जो कोई स्वेच्छा उपति कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब देखिए जिस पर 323 लगता है, तो 323 जो होता है ना कि उसका 323 का सेक्शन लगाया गया है, तो 323 में उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, तो पनिशमेंट पर एक ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए 1 वर्ष तक का दोनों में से किसी भांति के कारावास की बात कर रहे हैं, और 1 वर्ष तक के पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर जुर्माने से, और जुर्माना कितना हो सकता है, 1,000 रुपये तक हो सकेगा, या फिर दोनों भी लगाया जा सकता है। तो ये पनिशमेंट आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए ज़रा यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं,
सेक्शन 323 को एक नज़र डालेगा, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट। अगर कोई व्यक्ति वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट करता है तो उसको पनिशमेंट कितना मिलेगा, तो ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, हू एवर एक्सेप्ट इन द केस प्रोवाइडेड फॉर बाय सेक्शन 334 वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 year और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1,000 rupees और बोथ। अब यहाँ पर सवाल आता है कि कितना पनिशमेंट की बात की गई, बोले 1 year और फाइन हो सकता है, ये 1 year और फाइन, और ये एक्सटेंड कहाँ तक हो सकता है, फाइन 1,000 rupees तक और बोथ दोनों दिए जा सकते हैं। अब हम एक बार थोड़ा सा नज़र डालते हैं सेक्शन 334 क्या है, ये बोले कि सेक्शन 334 के सिवाय अगर ये होता तो उसको इतना, ये जो पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं ना 1 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो 1,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा, ये उसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जगह लिख लेते हैं सेक्शन 334 क्या है, जैसे मैं आपको एक बार शायद मुझे याद है कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, ये रहा सेक्शन 334 क्या कहते हैं, प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। अगर कोई प्रकोपन देता है और उस कंडीशन में कोई स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित कर देता है तो यहाँ पर उसको वो दंड नहीं मिलेगा जो जिसकी बात कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, जो कोई गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति कारित करेगा, यदि ना तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न जिसने प्रकोपन दिया था किसी व्यक्ति को उपपत्ति कारित करने का हो, और ना वह अपने द्वारा ऐसी उपपत्ति कारित किया जाना संभव जानता हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर उसे सडनली कोई भी यहाँ पर प्रकोपन देता है तो इस कंडीशन में उसे थोड़ा सा रिलैक्स किया जा सकता है, जुर्माना जो वहाँ 1,000 रुपये तक का लग रहा था यहाँ कितना लग जाएगा, 500 रुपये का, और पनिशमेंट कितना हो जाएगा, 1 मास तक का, या फिर यहाँ पर दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक नज़र फिर से डालिए सेक्शन 323 पर, हाँ जो 1 साल तक का जो पनिशमेंट था ये चेंज हो जाएगा किसमें, 1 मंथ में, और फाइन कितना हो जाएगा, तो 1,000 रुपये तक का था ये हो जाएगा 500 रुपीस में चेंज हो जाएगा, अगर कोई अचानक से उसे प्रकोपन देता है इस कंडीशन में। क्लियर हो गया इसका, यस सर। नहीं समझ में आया तो बताना। हम लोग ध्यान देते हैं सेक्शन 324 पर एक नज़र डालेगा, क्या कह रहे हैं, ये खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, तो ये अभी जस्ट हमने आपको पढ़ के बताया था। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा घोरोपत्ति कारित करना। पहले देखो एक इसमें जो स्टेप दिया गया था, यहाँ पर थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं, 319 की तरफ चल रहे हैं, तो केवल यहाँ पर हर्ट की बात कर रहे हैं, हर्ट मतलब सिंपल उपपत्ति। फिर थोड़ा सा जो 320 में जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है घोर उपपत्ति की, ध्यान दीजिएगा, यानी कि ग्रेवियस हर्ट, ठीक है ये। अब यहाँ पर देखें ज़रा, फिर थोड़ा सा और स्टेप बढ़ा, फिर इसी को 321 में इसके साथ जोड़ दिया स्वेच्छा शब्द के साथ, ज़रा ध्यान देना इसको याद करने के लिए, वॉलेंट्रली जो आप बात करते हो उसके लिए, ठीक है ये। फिर 322 में क्या कर दिया, सेक्शन 322 में घोर उपपत्ति की बात की गई, ये इसमें भी क्या जोड़ दिया गया, यही वॉलेंट्रली शब्द। अब हम जब 323 के बाद 324 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ज़रा देखिए क्या किया है इन्होंने,
खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा सुरक्षा उपाधि कारित करना, कोई व्यक्ति का खतरनाक आयुधों यानी कि ऐसे साधनों के द्वारा सुरक्षा कोई उपाधि कारित करता तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए जरा क्या करें, उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबंध है, जो कोई असन वेदन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाए जाएं, कोई भी ऐसा उपकरण हो जो आयुध के रूप में यूज किया जाता है, तो उससे मृत्यु कारित होना संभव है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा या किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निगलना, रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है। कोई भी ऐसी चीज़ें, कोई भी ऐसा पदार्थ जो मानव शरीर के लिए हानिकारक हो। या फिर अगला देखिए तीसरा स्टेप में, किसी जीव जंतु द्वारा सुरक्षा उपाधि कारित करेगा। अब जीव जंतुओं की भी बात आ गई, तब यहाँ पर कहा गया कि वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पनिशमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर केवल कोई हर्ट करता है तो 323 में बात की गई कि सेक्शन 34 के उपबंध इसमें लागू रहते हुए अगर कोई किसी को गुस्सा दिलाता है, 323 में 323 का ऑफेंस करता और उसे गुस्सा दिला करके करता, तब वो 323 का ऑफेंस बन रहा है वहाँ पर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो पनिशमेंट की बात की गई थी, ये जो सेक्शन 334 में जो पनिशमेंट दिया गया था, 1 मंथ का पनिशमेंट और फाइन की बात की गई, फाइन कितना था, 500। ठीक, आप यहाँ पर देखे बात करेंगे 323 में कितना था, 1 ईयर तक का पनिशमेंट दे सकते हैं प्लस फाइन लगा सकते हैं, और फाइन कितना हो सकता है, ये 1000 तक का हो सकता है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर जो फाइन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ 1000 से भी और कम हो जाएगा, कब, जब सेक्शन 334 के प्रोविजन यहाँ पर एप्लीकेबल। तो क्या होगा देखिए जरा ध्यान से, अब यहाँ सेक्शन 324 की हम लोग यहाँ पर बात करें, तो अगर कोई घातक हथियारों के द्वारा खतरनाक कोई भी हथियार ऐसे लेकर के करता है और यहाँ पर क्या कर रहा है, स्वेच्छा उपपत्ति कारित कर रहा है, घूर नहीं कर रहा और किन के साथ हथियारों से लैस होकर के, तब ऐसी सिचुएशन में वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया। आप जरा इसको लिखना चाहेंगे इस मीडियम में, जो लोग हैं वो लोग भी थोड़ा सा नज़र डाल लीजिए जल्दी से। हाँ जी, देखिए सेक्शन 324 पर एक नज़र डालते हैं। वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट बाई डेंजरस वेपन और मीन्स, हू एवर एक्सेप्ट इन द केस प्रोवाइडेड फॉर द सेक्शन 334। अगर कोई 334 के अकॉर्डिंग करता है तो पनिशमेंट थोड़ा सा कम होगा, और अगर नहीं करता है तो फिर उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा। देखिए, वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट बाई मीन्स ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर शूटिंग, स्टैबिंग और कटिंग, और एनी इंस्ट्रूमेंट विच यूज एज अ डिफेंस ऑफ ऑफेंस इज लाइकली टू कॉज डेथ। ऐसे कोई भी डिफेंस को भी यूज करता है जिससे ये संभावना होती है, जो परिणाम होगा वो क्या होगा, कॉजिंग डेथ हो सकती है यहाँ पर, जिसका परिणाम होगा वो क्या होगा, डेथ। और बाय मीन्स ऑफ फायर और एनी हीटेड सब्सटेंसेस, और किससे कर सकता है, देखिए एक तो वो हो गया जो वीपन से लेकर के गए, दूसरा कह रहा है बाय मीन्स ऑफ फायर, कोई भी ऐसे ज्वलनशील फायर जो आग से रिलेटेड हों, और एनी हीटेड सब्सटेंसेस, जो ऐसे हीटेड सब्सटेंसेस हों, पदार्थ हों, और बाय मीन्स मीन्स और एनी पॉइजन और एनी करेसिव सब्सटेंसेस, या तो पॉइजन वाले हों या करेसिव सब्सटेंसेस हों, और बाय मीन्स ऑफ एनी एक्सप्लोसिव कोई भी पदार्थ हों, और बाय मीन्स ऑफ एनी सब्सटेंस विच इट इज ह्यूमन बॉडी
टू इनहेल वालो। देखिए कैसे हो डिटेरियस टू ह्यूमन बॉडी, कोई भी ऐसे पदार्थ हो जो ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक होने चाहिए। अब चाहे तो वो इनहेल करके ले रहे हों या स्वालो करके कर रहे हों, अंदर जा रहे हों बॉडी के, वो एक अलग मैटर, किसी भी तरीके से हो जाए। अगले देखिए, और टू रिसीव इनटू द ब्लड, या फिर वो ब्लड में इंक्लूड हो जाए, और बाय मीन्स ऑफ एनी एनिमल या किसी एनिमल के द्वारा भी। तो क्या होगा यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेल बी पनिश विद इम्प्रिशनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर द टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, कितने तक एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, और विथ फाइन और विथ बोथ, यानी कि 3 साल का पनिशमेंट प्लस फाइन भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों भी लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए किन किन चीज़ों से ये हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक बार, वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट हो रहा है, और कैसे हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ शूटिंग, किसी भी इंस्ट्रूमेंट, स्टेबिंग और कटिंग करने के लायक हो सकता है ऐसा कोई भी, और दूसरा हो सकता है एनी इंस्ट्रूमेंट विच यूज एज ए बीपन, कैसे यूज हो सकता है वो जैसे बीपन, और उसके उससे कार्य करने का परिणाम क्या हो सकता है, कॉजिंग डेथ, जैसे आप ये देख रहे हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और बाय मीन्स ऑफ फायर, बाय मीन्स ऑफ फायर की बात करेंगे, और एनी हीटेड सब्सटेंसेस, कोई भी ऐसा हो जो हीटेड सब्सटेंसेस हो, और बाय मीन्स ऑफ एनी पॉइजन और एनी को करोसिव सब्सटेंसेस, कोई भी ऐसे पदार्थ हों जो पॉइजन के रूप में यूज हो सकते हैं या ऐसे करोसिव टाइप के जो रहते हैं वो, और बाय मीन्स ऑफ एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, ऐसे जो फूटने वाले हों उनसे भी कोई भी करता है, और क्या करता है, वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, तो क्या होगा, डेंजरस वीपन्स और मीन्स इसके द्वारा, तो कितना पनिशमेंट मिल सकता है, 3 ईयर्स का इसको कारावास हो सकता है इम्प्रिशनमेंट का, प्लस फाइन लगाया जा सकता है, या फिर और केवल फाइन से भी काम चलाया जा सकता है, या फिर दोनों यहाँ पर दिया जा सकता है। क्लियर हो गया इतना। सेक्शन 325 पर एक नज़र डालिएगा ज़रा, सेक्शन 325 वॉलंटरली कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट, अगर कोई व्यक्ति ग्रेवियस हर्ट करता है, ग्रेवियस हर्ट कहाँ डिफाइन किया गया जल्दी से बताओ, सेक्शन 329 जो कितनी टर्म्स कंडीशन दी गई हैं, 8। अब यहाँ पर वॉलंटरली जो कॉजिंग हर्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वो कौन से सेक्शन में पढ़ा हुआ था, ये केवल वॉलंटरली ग्रेवियस हर्ट को हमने पढ़ा कहाँ पर, ये सेक्शन 320 में। अब हम यहाँ पर बात करें कि ये जो पूरा इतना था वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट, ये कौन से सेक्शन में पढ़ा है जल्दी से बताओ फटाफट, अभी हाल ही पढ़ा आपने, नहीं पता, अरे आप लोग वो इधर के चले गए, 322 में, चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। ओहो ये क्या कर दिया मैंने, चलिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 325 पर एक नज़र डालिएगा दोबारा से, देखिए कह रहे हैं कि पनिशमेंट फॉर वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट, इसके लिए पनिशमेंट कितना होगा, तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, हू एवर एक्सेप्ट इन द केस प्रोवाइडेड फॉर बाय सेक्शन 335 में, जैसे हम लोग 334 को एक एक्सेप्शन मान रहे थे नॉर्मल अगर जो हर्ट होता है उसके लिए, अब यहाँ पर हम बात करें कि अगर कोई ग्रेवियस हर्ट करता है तो यहाँ पर सेक्शन 335 के पॉइंट्स लेते हुए यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट करता है, सेल बी पनिश्ड विद इम्प्रिशन आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड सेल ऑल्सो द लाइबल टू फाइन, क्या होगा यहाँ पर, क्या कह रहे हैं, हु एवर एक्सेप्ट इन द केस प्रोवाइडेड फोर बाय सेक्शन 335 and voluntarily causing her grievous hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which may be extended of 7 years, कितना हो सकता है, 7 years की बात की गई, और shall also be liable to
फाइन। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन हम लोग थोड़ा सा इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। ये क्या हुआ, अच्छा ये गड़बड़ हो गया सर। सेक्शन 325 पर एक नज़र डालिएगा, स्वेच्छा गौरवपति कार्यरत करने के लिए धन उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 335 में बंद है, जो कोई स्वेच्छा गौरवपति कार्यरत करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सके, 7 वर्ष तक की, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब इसमें बात की गई कि सेक्शन 335 के जो पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड होने चाहिए, है तो उसको इतना पनिशमेंट नहीं मिलेगा। इतना देखें यहाँ सेक्शन 335 पर एक नज़र डालिएगा जल्दी से, देखो क्या कह रहे हैं। 334 के जो प्रोविजन से हमने पढ़े थे, प्रकोपन पर स्वेच्छा उपपत्ति, कोई प्रकोपन करता है सिंपल हर्ट करता है और तब उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, कोई प्रोवोकेशन करे उस सिचुएशन में ग्रेवियस हर्ट करने के लिए उत्साह देता है या कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी एक किन चीज़ों पर लगेगा, जो केवल हर्ट की बात करते हैं सिंपल हर्ट की, ठीक है ग्रेवियस हर्ट की नहीं। और जहाँ ग्रेवियस हर्ट की बात की गई वहाँ सेक्शन 335 के प्रॉब्लम जो कोई गंभीर या अचानक प्रकोपन पर, कोई गंभीर और अचानक कोई प्रकोपन देता है स्वेच्छा गौरवपति कार्यरत करेगा यदि ना तो उसका आशय उस व्यक्ति से भिन्न जिसने प्रकोपन दिया था, पर जिसने प्रकोपन दिया था उसको ही कर सकता, दूसरे व्यक्ति को नहीं, किसी व्यक्ति को गौरवपति कार्यरत करने का हो और ना वह अपने द्वारा ऐसी उपति कार्यरत करना संभव जानता हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 4 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या 2000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया, देखिए जो पनिशमेंट की बात की गई थी पनिशमेंट कितनी कितनी हो गई यहाँ पर, दोनों में से किसी भांति के कारावास की और अवधि कितनी होगी कारावास की, 4 वर्ष तक की हो सकेगी, ठीक है, और जुर्माने से जो कितना होगा 2000 रुपये तक का हो सकेगा, या फिर यहाँ पर दोनों से दंडित किया जा सकता। अब वहीं पर अगर ये वाले मैटर नहीं है और फिर भी कोई यहाँ पर ग्रेवियस हर्ट करता है और तो फिर क्या होगा, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा 325 में कितना पनिशमेंट यहाँ पर दिया गया, गिरा देखो ज़रा एक मिनट, हाँ अब इसको समझिए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर फाइन भी, ठीक है, और जब अगर कोई प्रोवोकेशन करता है इस टाइप से तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन के लिए यहाँ पर बात की गई दोनों में से किसी भांति के कारावास तक की हो सकेगी या जुर्माने से 4 ईयर्स प्लस फाइन भी हो सकता है, फाइन कितना हो सकता है 2000, ठीक है क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जरा एक स्पष्टीकरण और था, अंतिम दो धाराएं उन्हीं परंतु के अध्याधीन है जिनके अध्याधीन धारा 300 अपवाद 1 है, 300 का जो अपवाद आपने पढ़ा हुआ था वो ये जो सेक्शन है, चलो ये हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले आ गए यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं। तो 325 सभी को क्लियर हो गया गाइस, 325 में यस सर। आप लोग बताते नहीं क्या हो गया, आप लोगों की आवाज़ इतनी स्लो स्लो कैसे आने लगी, नहीं ये देखो अच्छा लग रहा है बीच में है ना, ये देखो ऐसा नहीं लग रहा जैसे अपन हवाई जहाज उड़ाने वाले हैं उसे लगा लेते हैं वो चालू सब लोग बैठ जाए, इसमें आप एरोप्लेन वाला वो बना लेंगे हम लोग, पीछे बैकग्राउंड एरोप्लेन जैसा आ जाए ऐसे बैठ के और बस सीधे उड़ाना चालू कर देंगे इस टाइप से। चलिए अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग चलते सीधे क्लास की तरफ, फिर ध्यान दीजिए सेक्शन 326 पर एक नज़र डालते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, ये वॉलेंट्रली कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट बाय डेंजरस वीपन्स और मीन्स। अब वो डेंजर कैसे कर रहे हैं, वॉलेंट्रली कॉजिंग हर्ट कर रहे हैं डेंजरस वीपन्स और मीन्स के साथ में, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, कितना इनको पनिशमेंट मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम, हाँ जी
खतरनाक आयतों या साधनों द्वारा स्वेच्छा गोरोपति कारित करना। तो स्वेच्छा गोरोपति कारित में क्या होगा, देखिए उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 335 में उपबंध है, जो कोई आसन पेदन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाए जाएं तो उससे मृत्यु कारित होना संभव है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ या किसी विष या संक्षारक पदार्थ द्वारा, किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निकलना, धक्के में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपति कारित करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, वॉलेंटरली कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट बाई डेंजरस वीपन्स और मीन्स। देखिए ग्रेवियस हर्ट के बारे में हम लोग सेक्शन 325 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर कोई डेंजरस वीपन्स के साथ अगर ग्रेवियस हर्ट करता है तो उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा, इसके लिए देख लीजिए। तो हम ध्यान दीजिएगा, Whoever, except in the case provided for the section 325, voluntarily causes grievous hurt by means of any instrument for shooting, stabbing or cutting, or any instrument which used as a weapons of offense, is likely to cause death. ऐसे कोई भी weapons अगर कोई भी व्यक्ति use करता है, जैसे जो शूटिंग टाइप में यूज़ किए जा सकते हों, या स्टैबिंग के लिए, कटिंग के लिए, या किसी भी टाइप का एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज एज ए वीपन ऑफ ऑफेंस इज लाइकली टू कॉज डेथ, जिससे संभावना क्या हो उस वीपन से फाइनली जो रिजल्ट हो वो कॉज डेथ हो सकती है, ऐसी संभावना है। और बाय मीन्स ऑफ फायर और एनी हीटेड सब्सटेंसेस, फायर या हीटेड सब्सटेंसेस के द्वारा, या बाई मीन्स ऑफ एनी पॉइजन और एनी करोसिव सब्सटेंसेस, और बाई मीन्स ऑफ एनी एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस, और बाई मीन्स ऑफ एनी सब्सटेंसेस विच इट इज डेलिटेरियस टू द ह्यूमन बॉडी टू इनहेल, टू सोलो और टू रिसीव इन टू द ब्लड, और बाई मीन्स ऑफ एनी एनिमल shall be punished with imprisonment for life or with the imprisonment of either description for the term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो यहाँ पर कितना दिया जा सकता है, दोनों में से किसी भांति के कारावास से और जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है, और प्लस पॉइंट भी लगाया जा सकता है। अगर इन सारी चीज़ों से डेंजरस वीपन्स के थ्रू अगर कोई ग्रेवियस हर्ट करता है, तो डेंजरस वीपन्स में कौन कौन से आ गए देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक बार नज़र डाल लीजिएगा जल्दी से। कोई भी शूटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, ये कटिंग के लिए कोई वीपन्स हो सकते हैं, और यहाँ पर कोई भी मीन्स फायर भी हो सकती है, हीटेड सब्सटेंसेस हो सकते हैं, और कोई भी ऐसे पदार्थ जो पॉइजन और एनी करोसिव सब्सटेंसेस में यूज़ किए जाते हों, या फिर एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस हो सकते हैं, और या फिर ऐसे हो सकते हैं जो ह्यूमन बॉडी को जो नुकसान पहुंचाते हो, चाहे वो सूंघने से होते हों, चाहे वो निगलने से होते हों, और इसके बाद में एनिमल को भी इंक्लूड कर दिया गया है। ध्यान देना किसमें, डेंजरस वीपन्स में, पहले हम ये समझें कि तो डेंजरस वीपन्स में एनिमल को भी इंक्लूड कर दिया। अब सांप से कटवा दोगे तो क्या हो जाएगा, समझ रहे ना, अगर यहाँ से स्नेक से किसी व्यक्ति को कटवा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, डेंजरस ही है, और कोई जहरीले बिच्छू से भी कटवा दिया तो भी, तो ये भी इसमें होंगे। तो अगर कोई इन सभी साधनों के द्वारा किसी व्यक्ति को ग्रेवियस हर्ट यानी कि चोट पहुंचाता है,
तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, जल्दी से बोल के बता दो, बता जल्दी से। 10 years और टेन ईयर्स और प्लस फाइन, फाइन भी, ऑल्सो लाइबल टू फाइन। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 326A को, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। वॉलंटरली कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड। देखो ये इसमें ना पहले थोड़ी बहुत सज़ा होती थी, लेकिन बाद में जो अमेंडमेंट किए गए उस अमेंडमेंट के थ्रू इसमें थोड़ा पनिशमेंट बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर देखिए 326A 326B आप ये दोनों देख रहे हैं, एक सेकंड देखिएगा। Voluntarily throwing or attempting to throw acid, समझते क्या होता है? जो आपने देखा ना टॉयलेट वगैरह में लोग बार यूज करते हैं, और दूसरे कई बार लेबोरेटरी में भी बहुत सारे कामों के लिए यूज करते हैं, वो सब ये एसिड में आते हैं। तो देखिए जरा ध्यान दीजिए, सेक्शन 326 पर हम लोग एक नज़र डालते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे। आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना, जो कोई किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग या किन्हीं भागों को उस व्यक्ति पर अम्ल फेंक कर या उसे अम्ल देकर, ध्यान देना क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर, किसी व्यक्ति पर अम्ल फेंक कर या उसे अम्ल देकर या किन्हीं अन्य साधनों का प्रयोग करके ऐसा कार्य करने के आशा या ज्ञान से की संभाव है उनसे ऐसी क्षति या उपपत्ति कारित हो। स्थायी या आंशिक नुकसान कार्य करेगा या अंग विकार करेगा या जलाएगा या विकलांग बनाएगा या विद्रूपित करेगा या निशक्त बनाएगा या घोर उपपत्ति कार्य करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर हम एक बार नज़र डालते, कितना 10 वर्ष, आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, पहले क्या होता था कि जुर्माना राज शासन के खजाने में जमा होता था, लेकिन आप क्या कर दिया, परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने, तो यहाँ पर जो जुर्माना लगाया जाएगा वो जुर्माना सभी का सभी किस में जाएगा, चिकित्सीय खर्चों के लिए पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा और पीड़ित जो रहेगा उसको ये दिया जाएगा। नेक्स्ट सर ध्यान दीजिए, परंतु यह और किस धारा के अधीन अधिरोपित को जुर्माना पीड़ित को संगत किया जाएगा। तो जो भी इस धारा में और जुर्माना लगाया जाएगा वो सभी का सभी जुर्माना किसको दिया जाएगा, पीड़ित पक्ष को दिया जाएगा। इतना क्लियर हो गया सभी को? हेलो yes, ठीक है, चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट बाई यूज ऑफ एसिड इत्यादि। हूएवर कॉज परमानेंट और पार्शियली डैमेज और डेफर्मिटी टू और वंस और मेंस और डिसफिगर और डिजेबल एनी पार्ट ऑफ part of the body of the person or cause grievous hurt by throwing acid। देखिए कितनी कितने सारे काम हैं, इनको आप चाहें तो ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं। Whoever cause permanently, permanent or partially, क्या करेगा, damage or deformity, burns or mumps or disfigure or disable एनी पार्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी, तो कोई भी पार्ट या कोई भी बॉडी का पार्ट ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन का, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कॉज ग्रेवियस हर्ट बाई थ्रोइंग एसिड। हम लोग को फेंककर अगर ये इस टाइप के काम करता है जो वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट में आता है और बाय एडमिनिस्ट्रिंग एसिड टू दैट पर्सन और बाय यूजिंग एनी अदर मीन्स विद द इंटेंशन
of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall be not less than 10 years, but which may extend to imprisonment life. Kam se kam 10 years punishment और एक्सटेंड क्या हो सकता है फॉर लाइफ के लिए एंड विद फाइन और प्लस फाइन भी लगाया जाएगा। इसमें देखिए प्रोवाइडेड दैट में जो यहाँ नीचे दिया गया सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल। फाइन कैसा होगा शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस जो कि मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए होगा ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम जो विक्टिम है उसके ट्रीटमेंट के लिए बात करें प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज अंडर दिस सेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम जो भी कोर्ट के द्वारा यहाँ पर जो फाइन लगाया जाएगा वो फाइन भी उसी विक्टिम्स को ये पेड किया जाएगा। नेक्स्ट जगह ध्यान दीजिएगा सेक्शन 326B वॉलेंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड। एक ही तरह ध्यान दीजिएगा नजर डालिए इस पर वॉलेंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड हु एवर थ्रो और अटेम्प्ट्स टू थ्रो एसिड ऑन एनी पर्सन और अटेम्प्ट्स टू एडमिनिस्टर एसिड टू एनी पर्सन और अटेम्प्ट्स टू यूज एनी अदर मीन्स विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग परमानेंट और पार्शली डैमेज। देखिए वहाँ पर जो ऊपर आपने पढ़ा था वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कॉजिंग परमानेंट और पार्शली डैमेज और डेफर्मिटी और बर्न्स और मैमिंग और डिसफिगरमेंट और डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी और ग्रेवियस हर्ट टू दैट पर्सन। इतने सारे के काम के लिए यहाँ पर जगह एक नज़र डालिएगा देखो क्या क्या कहा उसने causing permanent or partially deformity, wounds, maiming or disfigurement or disability, grievous hurt of that person shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years but which may be extended to 7 years। मिनिमम पनिशमेंट कितना है 5 ईयर्स का एक्सटेंड कहाँ तक हो सकता है 7 ईयर्स तक। तो एक मिनट का ध्यान दीजिएगा देखिए 5 ईयर्स और फिर एक्सटेंडेड टू 7 ईयर्स एंड सेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन और इसमें फाइन भी लगाया जाएगा अगर कोई अटेम्प्ट करता है तो। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में ज़रा ध्यान दीजिएगा फर्स्ट में देखेंगे फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 326A एंड दिस सेक्शन any substances which has acidic or corrosive character or burning nature जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा देखिए ऐसे जो रहेगा substances वो कौन कौन से acid में क्या क्या चीज़ें include होंगी उनकी बात की गई यहाँ पर for the purpose of section 326A इससे related and this section acid acid का मतलब क्या इसमें क्या क्या चीज़ें include होंगी उसकी हम लोग यहाँ पर बात करें इंक्लूड्स एनी सब्सटेंसेस विच हैज एसिडिक जिसका नेचर एसिडिक हो और करेसिव करेक्टर्स हो फिर बर्निंग नेचर्स का होना चाहिए बर्निंग नेचर दैट इज कल्पेबल और कॉजिंग बॉडली इंजरी और क्या कर सकता है वो कॉजिंग उसके बाद बॉडली इंजरी हो सकती है उसे लीडिंग टू स्कार्स और डिसफिगरमेंट और टेम्परेरी और परमानेंट डिसेबिलिटी या तो यहाँ पर डिसफिगरमेंट कैसा हो जाए टेम्परेरी हो जाए या फिर परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है। इन सब को हम किस में मान लेंगे ये एसिड की कैटेगरी में आएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पर ज़रा नज़र डालिएगा फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 326A एंड दिस सेक्शन परमानेंट और पार्शली डैमेज और डेफर्मिटी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी इरेवर्सिबल। आप जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
326 के पर्पस में अगर यहाँ पर देखें परमानेंट और पार्शियल डैमेज क्या होता है, तो देखिए शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू इरेवर्सिबल जो लिखा हुआ है इसके संबंध में मैं आपको ले चल रहा हूँ, एक मिनट की गलत ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड। हाँ जी देखिए, सेक्शन 326 ए में और इस धारा के प्रयोजन के लिए स्थायी या आंशिक नुकसान या अंग विकार का अपरिवर्तनीय होना आवश्यक नहीं है, तो जरूरी नहीं कि उतना नुकसान हो ही जाए, उससे कम भी अगर होता है तो भी ये मान लीजिएगा अटेम्प्ट करने में इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। अगर अगला जगह ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेक्शन 326 बी में इसको हम पूरा पढ़ते हैं एक बार देखिए, स्वेच्छा अम्ल फेंकना या फेंकने का कोई प्रयत्न करना जो कोई किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने या उसका अंग विकार करने या जलाने या विकलांग बनाने, ध्यान रखना है अंग विकार करने, जलाने, विकलांग बनाने या विद्रूपित करने या निःशक्त बनाने या घोर उपाधि कारित करने के आशय से उस व्यक्ति पर अम्ल फेंकेगा या फेंकने का प्रयत्न करेगा या किसी व्यक्ति को देगा या अम्ल देने का प्रयत्न करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी 5 वर्ष से कम नहीं होगी, 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इस पर फर्स्ट में जरा नजर डालिएगा, इस पर धारा 326 ए में और इस धारा के प्रयोजन के लिए अम्ल में कोई ऐसा पदार्थ सम्मिलित है जो ऐसे अम्लीय या संक्षारक स्वरूप का या ज्वलनशील प्रकृति का जो ऐसी शारीरिक क्षति करने योग्य है जिससे क्षत चिन्ह बन जाते हैं या विद्रूपता या अस्थायी या स्थायी निषेधता हो जाती है, ये इसके साथ इसमें इंक्लूड रहेंगे। ये लास्ट वाला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेक्शन 327 पर एक नज़र डालते हैं, इसमें कुछ समझना है क्या आप लोगों को 326 से रिलेटेड, जल्दी से बताइए। चलिए तो हम लोग ज़रा ध्यान देते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन पर, जहाँ पर आप थक जाओ वहाँ मुझे बता देना कि भैया थक गए हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा उसको रिलैक्स कर देंगे और इसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये 338 तक हमको पढ़ना नहीं। चलिए जरा ध्यान से नेक्स्ट हम लोग बात करें सेक्शन 327 की, नज़र डालिएगा इस पर, संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपाधि कारित करना, कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति उद्यापित करना चाहता है या कोई अवैध कार्य कराने करने के लिए उसे मजबूर करने के लिए उससे स्वेच्छा उपाधि कारित करता है, घोर नहीं है केवल स्वेच्छा उपाधि कारित करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 327 ऑफ आईपीसी। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपाधि करेगा कि उपत व्यक्ति से या उससे हितवत किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए या उपत व्यक्ति को या उससे हितवत किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात जो अवैध हो या जिससे किसी अपराध का किया जाना सुकर होता हो करने के लिए मजबूर किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक ही हो सकेगी या दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो कहां पर क्या बात करें कि ये अगर संपत्ति उद्यापित करने के लिए कोई व्यक्ति करता है या अवैध कार्य कराने के लिए मजबूर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, तो इस कंडीशन में उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक ही हो सकेगी और दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेक्शन 327 को जरा इंग्लिश में भी देख लेते हैं, वॉलंटरी हैव टू एक्सपोर्ट एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कंस्ट्रेन टू एन एक्ट। देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, हु एवर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा उपति करता है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटॉर्टिंग फ्रॉम द सफर और फ्रॉम एनी पर्सन
interested in the suffer any property or valuable security, or of constraining the sufferer or any person interested in such sufferer to do anything which is illegal or which may facilitate to commission of an offense, shall be punished with the imprisonment or either description for a term. Then shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, and shall also be liable to fine. So यहाँ पर बात की 10 years plus fine की section 327 आप पढ़ रहे थे. चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर. देखो आप इसको थोड़ा सा इसके पॉइंट्स बना लेते हैं. क्या कर रहे हैं ये? वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट कर रहे हैं टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के लिए, और टू कंस्ट्रेन लीगल टू एन एक्ट. कैसा? अवैध कार्य कराने के लिए. जरा ध्यान दीजिएगा, अब कोई भी व्यक्ति फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटॉर्टिंग फ्रॉम द सफरर और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द सफरर एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूबल सिक्योरिटी. वैल्यूबल सिक्योरिटी आप जानते हैं कहाँ दिया गया, पता है आपको? आईपीसी में वैल्यूबल सिक्योरिटी डिफाइन किया गया. याद आया 30 में? चलो फिर कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा. जी याद नहीं है. नहीं है ये सर, 30 में ही. अच्छा, और ज़रा ध्यान दीजिएगा, और ऑफ कंस्ट्रेनिंग द सफरर और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन सच सफरर डू एनीथिंग विच इज इलीगल. एक तो ये हो गया विच इज इलीगल, कुछ भी सफरर टू डू एनीथिंग विच इज इलीगल और विच मे फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस. तो ये पॉइंट्स आपको इसमें बनाने होंगे. चलिए अब हम जरा ध्यान देते हैं सेक्शन 328 पर. अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपपत्ति कारित करना. तो ऊपर तो क्या बात की गई थी सेक्शन 327 में कि अगर कोई व्यक्ति उनसे उनके द्वारा करेगा अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के स्वेच्छा गौरव पति कारित कर स्वेच्छा उपपत्ति कारित करता है. ठीक, और यहाँ कैसे कर रहे हैं? अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपपत्ति कारित करना. अब विष के द्वारा अगर उपपत्ति कारित होती है तो किसका इच्छा होगी? देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, जो कोई इस आशय से कि किसी व्यक्ति की उपपत्ति कारित की जाए या अपराध करने की या किसी या किए जाने को सुकर बनाने के आशय से या यह संभव जानते हुए कि वह तद द्वारा उपपत्ति कारित करेगा कोई विष या जड़िमाकारी नशा करने वाली या अस्वास्थ्यकर औषधि या अन्य चीज़ इस उस व्यक्ति को देगा या उसके द्वारा लिया जाना कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा. तो सेक्शन 328 में आप समझ गए क्या है? कोई जिस इत्यादि से अगर कोई भी कोई ऐसा ऑफेंस करने की कोशिश करता है जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान हो तो यहाँ पर कितने तक का पनिशमेंट मिलेगा? दोनों में से किसी भांति के कारावास की बात कर रहे हैं ये, और जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा. तो इन पॉइंट्स पर थोड़ा सा नज़र डाल लीजिएगा आप लोग. 1, 2 और 3. चलिए सेक्शन 329 को एक नज़र थोड़ा सा इस पर डाल लीजिएगा. क्या कर रही है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हेलो. यस सर. तो ठीक है, चलिए ज़रा ध्यान दीजिए, अगर गड़बड़ लगे तो बता देना मुझे, है ना? लोगों सबको ऐसे कर लेते हैं तो ठीक रहेगा, अच्छे लगते हैं ऐसे. अरे तो ये ऊपर क्यों चले गए? अच्छा ऐसे आएंगे, चलो ठीक है कोई बात नहीं. चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा,
एक सेक्शन और पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम क्लास को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा गोरोपत्ति कारित करना, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर का संपत्ति उद्यापित करने के लिए आपने सेक्शन 327 में जो पढ़ा हुआ था, यहाँ पर क्या पढ़ा था सेक्शन 327 में कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर संपत्ति उद्यापित करने के लिए करता है या अवैध कार्य कराने करने के लिए मजबूर करता है, यहाँ उपपत्ति कारित करता है सेक्शन 327 से। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर घोरोपत्ति कारित करता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा गोरोपत्ति कारित करेगा कि उपरत व्यक्ति से या उससे हितवत किसी व्यक्ति से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति उद्यापित की जाए, कोई संपत्ति ले ले या उससे कोई मूल्यवान प्रतिभूति ले ले, या उपरत व्यक्ति को या उससे हितवत किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बात जो अवैध हो या जिससे किसी अपराध का किया जाना सुकर होता हो करने के लिए मजबूर किया जाए, तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो कितनी होगी, 10 वर्ष तक की यहाँ पर वो की जाएगी और यहाँ पर जुर्माना भी उसको लगाया जाएगा। तो चलिए गाइस, ये हमने सेक्शन 329 तक आज पढ़ लिया, यहाँ से आगे का कंटिन्यू हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो इतना क्लियर हो गया गाइस सभी को? Yes, sir. समझ में आ रहा था कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। चलो खैर कोई बात नहीं, आज और आप पढ़िएगा इसको, है ना, पढ़ के और थोड़ा सा समझिएगा, इनसे केस लॉज निकालिए, फिर हम लोग यहाँ पे कल डिस्कस करते हैं इसके बारे में, और अगर नहीं हो तो फिर मुझे आप बताइएगा। हाँ बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बेटा, आकाश बेटा, रितु, यस सर, एसएमएस मैडम, और ये चलो जल्दी बताओ, और बताइए जो लोग भी बचे तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, कोई कुछ जल्दी से नहीं, ठीक है चलो, तो मैं क्लास को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ गाइस, नेक्स्ट क्लास तक चलो, ओके बाय। ओके सर, थैंक यू।